Hello everyone, welcome to my channel and hope you're doing great. And today in this video we will discuss about pros and cons living in Singapore. बहुत से लोग होते हैं वो जाना चाहते हैं कि सिंगापुर कैसा कंट्री है, मे बी उनको मूविंग पर्पस है, विजिटिंग पर्पस है, तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे रहने के क्या फायदे हैं और यहाँ पे रहने के नुकसान क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है एकोमोडेशन। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं जाएगा, पानी भी आता रहता है और सारी बेसिक चीजें आपको अवेलेबल है, स्टोर नियर बाय अवेलेबल है, तो बेसिक फैसिलिटी बेसिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। उस बेसिक फैसिलिटी को लेने के लिए या तो आपको HDB में रहना पड़ेगा या फिर आपको कॉन्डो में रहना पड़ेगा। बट 2023 में जो हॉट टॉपिक है वो रेंट का ही है, क्योंकि आफ्टर द कोविड प्राइस सडनली शूट अप हो गए हैं। जो पहले प्राइस कॉस्ट आती थी, जो HDB की कॉस्ट मैं बता रही हूँ, जो कि पहले 1800 $2000 या फिर मैक्सिमम $2500 फॉर 2 BHK आती थी, अब वो कॉस्ट हो गई है 3000 और 3500। वन रूम का जो कॉस्ट है प्रीवियसली जो था 2500 2500 या फिर $3000, लेकिन अब जो कॉस्ट जो है वो है $3500 टू $4500, दैट मीन्स अराउंड 50-70% एकदम शूट अप हो गया है। रेंट बहुत हाई हो गया है, जिसमें आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होता है, आपका सैलरी का मोस्ट ऑफ द पार्ट रेंट में चला जाता है। तो इवन द क्वालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, बट सम हाउ यू नीड टू पे द मनी फॉर रेंटिंग वेरी हाई परसेंटेज ऑफ योर सैलरी। सेकेंड पॉइंट है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का अमेजिंग है, हाई लेवल का है। एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी और द हाई लेवल यूनिवर्सिटी और हाई लेवल एजुकेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों है। लेकिन अगर आप फॉरनर हो तो यहाँ पे आपको एजुकेशन के लिए लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वन आई थिंक 6 मंथ बिफोर और 1 ईयर बिफोर आपको एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा पब्लिक के लिए, और उसमें भी इट्स नॉट गारंटी, आई मीन इट्स बिट डिफिकल्ट टू गेट फॉर फॉरनर टू गेट एडमिशन इन द लोकल स्कूल। अगर आपको एडमिशन पब्लिक स्कूल में नहीं मिलता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है, और प्राइवेट स्कूल में कंपनीज होती हैं वो आपके बच्चे का स्पॉन्सरशिप नहीं करती हैं। आई मीन डिपेंड्स ऑन कंपनी की करती है नहीं करती, मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपनी होती है वो स्पॉन्सरशिप नहीं करती है। स्पॉन्सरशिप नहीं करती तो वो मनी आपको पॉकेट से देनी पड़ती है। मेरे किड्स भी यहाँ पे रहे थे तो प्रीवियसली फॉर वन किड आई वॉज पेइंग $1000 और क्वार्टरली फीस जाती थी, तो क्वार्टरली में 3 मंथ $3000 ऑलमोस्ट मेरा जाता था। तो या तो आप दोनों अर्निंग हो, आप कैपेबल हो देने के लिए, ठीक है, नहीं कैपेबल हो तो सम हाउ यू हैव टू सेंड टू योर होम कंट्री जहाँ पे कि एजुकेशन सस्ता होता है। तो इस केस में आपको डिसाइड करना पड़ता है, यू रियली वॉन्ट टू पे मनी और यू वॉन्ट टू सेव मनी। सो ये आपका पर्सनल चॉइस होता है, सेविंग के सेविंग करें या फिर एजुकेशन, किड्स के एजुकेशन में करें। बट डेफिनेटली किड्स के एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, तो पेरेंट्स यहाँ पे हाई फीस भी देते हैं बट मोस्ट ऑफ द सैलरी पार्ट गोज टू रेंट एंड एजुकेशन। थर्ड पॉइंट है हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, उसमें हाई टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ करते हैं, सर्विस भी यहाँ पे हाई लेवल की होती है, बहुत अच्छी होती है, दे विल ट्रीट यू वेरी नाइसली। इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लेट्स से अगर आपको जनरल प्रैक्टिशनर जाना पड़ता है, अगर आपका कंपनी कवरेज नहीं है, आपका इंश्योरेंस नहीं है, तो आपको $100 यू नीड टू, आई मीन डिपेंड्स हाउ मच चार्जिंग दे आर चार्जिंग, सो इट्स वेरी हाई। एंड इट्स नॉट अबाउट GP स्पेशलिस्ट और सम हाउ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है मेटर्निटी जो डिलीवरी के लिए मुझे, मैंने यहाँ पे कॉस्ट एक्चुअली चेक किया था, सो दैट टाइम इट वाज कमिंग अराउंड $600 to $7000 एंड लेट्स से दैट इज केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। बट अगर सबका सिजेरियन है तो इट मे वेरी, डिपेंड्स हाउ कॉम्प्लिकेटेड द केस इज, सो 14 to 15000 ये जा सकता है। बट उस केस में भी आपको मतलब कि देखना पड़ेगा, अगर बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा ठीक है, तो उसमें बच्चे पे ज़्यादा कॉस्ट, मतलब कि उसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा कॉस्ट भी लग सकता है। तो मैटरनिटी हो गया, कुछ सर्जरीज हो गई, आई मीन नॉट कुछ सर्जरी, मोस्ट ऑफ द सर्जरीज
तो यहाँ पे एक्सपेंसिव है अगर आपको अपने पॉकेट से देना पड़ता है, बट हाँ इसका सोल्यूशन ये है कि आप इंश्योरेंस ले लो, देन आपको कोई वरी नहीं है। बट मैटरनिटी के लिए आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोई कवरेज होता है, मैंने चेक किया था बट यहाँ पे कोई कवरेज नहीं था। इवन कंपनी ऑल्सो डोंट कवर, इट डिपेंड्स। समटाइम्स हम कंपनी से ओके वी कैन पे मैक्सिमम 1,000 या 2,000 डॉलर, बट दे डोंट कवर कम्प्लीटली। इट्स डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। फ्यू कंपनीज कवर बट नॉट मैनी कंपनीज आपकी कवर करती हैं। तो आपका मेटर्निटी है, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, इवन सर्जरी का भी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर यहाँ पे आते हो तो मेक श्योर आपका इंश्योरेंस है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वर्क लाइफ बैलेंस। सिंगापुर में जब आप आते हो आपको हाई सैलरी मिलता है एज कम्पेयर टू अदर सैलरी, देन डेफिनेटली एवरीबडी गेट हैप्पी, यस आई एम गेटिंग वेरी गुड सैलरी, ओ आई कैन अर्न दिस मच ऑफ अमाउंट विद इन दिस ईयर दिस ईयर। यस इट इज देयर, बट समहाउ यू नीड टू कम्प्रोमाइज विद योर वर्क लाइफ बैलेंस। तो आप फैमिली फ्रेंड से दूर जाते हो तो आपको इस टर्म्स में सर्वाइव करना पड़ता है। प्लस में यहाँ पे आप जब रहते हो डिपेंड्स ऑन योर कंपनी। कोई कोई कंपनी की डिमांड्स होती हैं आप 24/7 आवर सपोर्ट करो, तो इस केस में आपको हो सकता है मिडनाइट जाना पड़े, आपको ऑफिस आवर्स के बाद काम करना पड़े, तो समहाउ आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, वर्क लाइफ बैलेंस में डिफिकल्टी आती है। तो डिपेंड्स करता है कौन सी कंपनी है। आई मीन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं MNC में थी तो वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं था। आफ्टर ऑफिस आवर्स यू जस्ट इंजॉय योर लाइफ, बट समहाउ डिपेंड्स ऑन कंपनी आपको हो सकता है कि ज़्यादा काम करना पड़े, ज़्यादा सर्वाइव, ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। नेक्स्ट इज फूड ऑप्शंस। इन सिंगापुर देर लॉट ऑफ फूड ऑप्शन फॉर वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियंस। तो देर लॉट ऑफ ऑप्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एशियन क्यूजिन्स आर अवेलेबल फ्रॉम लो कॉस्ट टू हाई कॉस्ट। बट समटाइम पर्सनली मैंने फील किया है, हम बेसिकली हम वेजिटेरियन हैं तो नियर बाय ऑप्शन, जैसे इंडिया में होता है सारा स्टॉल होता है, यहाँ पे स्टॉल है वहाँ पे स्टॉल है, ओके हम यहाँ पे चले आएंगे, ये ऑप्शन अवेलेबल है। मोस्ट ऑफ टाइम वेजिटेरियन फूड आपको मिल जाता है। मेरे को कहीं ना कहीं सर्वाइव करना पड़ता है क्योंकि नियर बाय कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं है। अगर होता भी है तो इसमें एक दो चॉइस ही होता है, लिटिल बिट चॉइस। सो एवरी डे इफ यू आर ईटिंग दैट ऑल्सो यू डोंट फील गुड। सो स्पेसिफिकली अगर मुझे वेजिटेरियन खाना है, मुझे एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाना पड़ता है, और गोइंग टू दैट स्पेसिफिक प्लेस मैं थोड़ा लेजी फील करती हूँ बिकॉज किड्स हैं, ऑल टुगेदर वी नीड टू गो। तो ये तो इस टर्म्स में आई मीन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बट इफ यू आर स्टेइंग लिटिल बिट फार फ्रॉम द मेन सिटी वेयर वेजिटेरियन ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो आपको उस चीज़ में स्पेसिफिक आना पड़ेगा। नियर बाई एरियाज में आपको डिफिकल्टी हो सकती है फाइंडिंग में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड में वेजिटेरियन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इट्स ओनली लाइक फ्रेंच फ्राई, आइसक्रीम, रिंग्स ओनली यू कैन हैव। बट बर्गर था, इन्होंने स्टार्ट किया था पहले, बट आई डोंट नो वॉट हैपन, सडनली दे स्टॉप। तो मैकडी में भी वी गो देयर, देयर इज नो यूज बिकॉज वी कैन नॉट हैव अवर बर्गर्स देयर। एंड नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। नो डाउट द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन सिंगापुर सो सो गुड, एंड इस हाई लेवल ऑफ लॉज आर देयर, लाइक विच इज फॉर अस टू मेंटेन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यू वॉन्ट बी वरी अबाउट योर किड्स, हस्बेंड्स और फैमिली और हु एवर इट इज, इट्स वेरी सेफ इन सिंगापुर। तो येस दिस इज वन ऑफ द प्रॉस स्टेइंग इन सिंगापुर। इफ यू कीप योर बिलोंगिंग एनी वेयर, नो नो डाउट नो बडी विल टेक, इट विल बी श्योर यू आफ्टर यू गो बैक यू विल गेट ऑल द थिंग्स देयर। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन बिफोर, इट्स रियली अमेजिंग एंड इट्स रियली कनेक्टिविटी फ्रॉम एवरीवेयर, यू कैन गो एनी वेयर, इट्स नो डाउट। एंड बस ट्रांसपोर्टेशन टैक्सी ऑल आर अफोर्डेबल। सो नेक्स्ट इज लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड ऑप्शंस। यू हैव मल्टीपल कार्ड ऑप्शंस, इट मे बी वेरी फ्रॉम कैश बैक टू माइल्स अर्निंग। सो व्हेन यू कंटिन्यूसली स्टार्ट यूजिंग यू विल गेट सम माइल्स, यू विल गेट सम पॉइंट्स दैट यू कन्वर्ट इन टू कैश, इट्स रियली गुड ऑप्शन। इवन इफ यू वॉन्ट टू टेक पर्सनल लोन्स और एनी काइंड ऑफ लोन, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल बैलेंस ट्रांसफर विच इज वेरी फेमस हेयर। सो वेरी लेस इंटरेस्ट, लाइक 6 मंथ 2.5 और 1 ईयर 3 4.5
4.5 समथिंग लाइक एज कम्पेयर टू बट आई फेल्ड इन इंडिया लाइक 11% और 7%. इट्स वेरी कन्वीनियंट हेयर. और आपको क्रेडिट कार्ड भी, अगर आपका सैलरी स्टैंडर्ड अच्छा है, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई वेरी इजली. और इमिडिएटली ऑल्सो यू कैन गेट ऑल द लोन्स और यूसेज ऑल्सो वेरी इजी. सो पर मंथ यू विल गेट सम रिबेट. सो दैट रिबेट यू कैन कन्वर्ट एंड पे योर बिल्स. एक्चुअली ऑल द वाइल मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, तो मैंने इसको ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया. बट आई हैव सीन इट फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स एंड आई स्टार्टेड यूज इट बिकॉज यू विल गेट सम कैश बैक. बट द प्रॉब्लम समटाइम्स यू यू टेक लोन फ्रॉम मल्टीपल कार्ड्स, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, बट वेन इट कम्स टू रिटर्न यू पे यू मे फील डिफिकल्टी. सो दैट्स वट यू नीड टू रिमेंबर. यू हैव टू पे योर इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम, अदरवाइज यू विल बी डिफॉल्टर हो जाओगे आप. तो इसमें इस डिफॉल्ट हो जाओगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, कार्ड नहीं देगा, आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा. तो दिस थिंग यू नीड टू मेक श्योर यू आर पेइंग. आई मीन बहुत सारे लोग लेते हैं डिफरेंट कार्ड से बट दे आर नॉट एबल टू पे बैक. सो सम डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सो दिस इज वट आई विल एडवाइज. टेक वट इन इन योर लिमिटेड वन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिक्टनेस. कहते हैं कि सिंगापुर में लॉ एंड एनफोर्समेंट इतना स्ट्रिक्ट है कि लोगों को लगता है कि उनको कोई मॉनिटर कर रहा है एवरीवेयर. सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनको लगता है कोई ऑब्जर्व कर रहा है एवरीवेयर. तो ऐसा तो कई बार क्या होता है, जब कोई इंसिडेंट होता है इमिडिएटली पुलिस आ जाती है. तो ये लॉ और एनफोर्समेंट आपकी सेफ्टी के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है. आपको उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है. इवन मैं यहाँ पे रहती हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी लाइफ इजीली स्पेंड कर सकती हूँ. मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है कि एवरी समबडी लुकिंग एट यू एवरी टाइम. तो ये स्ट्रिक्टनेस वाली बात उन लोगों के लिए है जो रियली और दे वांट टू मेक अदर डिस्टर्ब. तो ये लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए है, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए. तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो आई हैव एक्सप्लेन ऑल द प्रोस एंड कॉन्स. सो मे बी टू लिटिल बिट लेफ्ट, दैट्स मे बी द स्मॉल वन. So you also, if you like this, please like, share and subscribe, because this really help us to motivate us, and this will help me to make better video and share my experience here. So thank you very much. Take care. Bye bye. Till the time.